वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टंबलर गियर मैकेनिज्म के बारे में। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी, इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था बैक गियर यूनिट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट टंबलर गियर यूनिट को लेके आए, तो आज की यह वीडियो टंबलर गियर यूनिट की है। तो यदि आपने पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टंबलर गियर यूनिट क्या होता है या किस प्रकार वर्क करता है लेथ मशीन में, और इसकी जो तीन पोजीशन है फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स, वह किस प्रकार काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों पोजीशन को यहाँ पर ड्राइंग बना के रखा हूँ तीनों पोजीशन की, आप देख सकते हो। यह फॉरवर्ड पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन और रिवर्स पोजीशन, इन तीनों पोजीशन में जो मोशन है वह किस प्रकार गियरों के माध्यम से फीड रॉड या लीड स्क्रू तक जाता है, और वह फीड रॉड या लीड स्क्रू की दिशा को किस प्रकार बदलता है। यानी इसका जो टंबलर गियर यूनिट का जो यूज है वह यूज होता है फीड की दिशा को बदलने के लिए, या फीड रॉड या लीड स्क्रू की दिशा को चेंज करने के लिए, यानी उनके घूमने की दिशा को बदलने के लिए। या इसका सेकंड यूज की बात करें तो टंबलर गियर यूनिट का जो सेकंड यूज है वह टंबलर गियर यूनिट का है कि वह स्पेंडल गियर से पावर को फिक्स स्टड गियर तक पहुंचाता है। यानी स्पेंडल गियर और फिक्स स्टड गियर के बीच में यह अटैच होता है, जिसमें कि स्पेंडल गियर के पावर को फिक्स स्टड गियर तक यह पहुंचाता है। और फॉरवर्ड और न्यूट्रल पोजीशन में बताऊंगा कि वह किस प्रकार स्पेंडल गियर के पावर को फिक्स स्टड गियर तक पहुंचाता है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह कौन कौन से गियर हैं और कहां कहां पर अटैच हैं। यहां पर वैसे आप देख सकते हो, पहले सभी गियर से आपको एक बार परिचित करा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो सके। तो यहां पर ड्राइंग में आप जो सबसे फर्स्ट ऊपर का गियर देख रहे हो यह है स्पेंडल गियर, स्पेंडल गियर। अब स्पेंडल गियर के पावर को टंबलर गियर के द्वारा हम फीड गियर बॉक्स में पहुंचाते हैं, ताकि हम टूल को ऑटोमेटिक फीड दे सकें या स्क्रू कटिंग कर सकें। लेथ पर थ्रेड कटिंग करने के लिए इसको फॉरवर्ड या न्यूट्रल पोजीशन, फॉरवर्ड या रिवर्स पोजीशन में सेट किया जाता है। जब हमारा टंबलर गियर न्यूट्रल पोजीशन में सेट होता है, उस कंडीशन में कभी भी ऑटोमेटिक फीड टूल को नहीं दी जा सकती और ना ही लेथ मशीन पर थ्रेड को काटा जा सकता है, क्योंकि हमारे स्पेंडल गियर का पावर फिक्स स्टड गियर तक नहीं पहुंच पाता है। उस कंडीशन में टंबलर गियर और स्पेंडल गियर का मैच नहीं होता है, यानी यह दोनों डिसंगेज पोजीशन में होते हैं। यहां पे आप देख सकते हो। तो आप समझ गए होंगे टंबलर गियर यूनिट का यूज को, क्योंकि ऑटोमेटिक फीड या लेथ पर थ्रेड कटिंग करते हैं उस कंडीशन में टंबलर गियर का यूज किया जाता है, और टंबलर गियर का यूज फीड की दिशा को चेंज करने के लिए या स्पेंडल गियर से पावर को फिक्स स्टड गियर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। और टंबलर गियर फिक्स कहाँ होता है? टंबलर गियर फिक्स होता है लेथ के स्पेंडल गियर और फिक्स स्टड गियर के बीच में। तो टंबलर गियर एक तीन गियरों का एक समूह है, इसमें तीन गियर होते हैं जिनका साइज समान होता है, जिन तीनों गियरों में टीथ एक समान होते हैं, यानी सेम टीथ वाले तीन गियर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह हमारा स्पेंडल गियर है और यह हमारा टंबलर गियर का ए, बी एंड सी, यह हमारे तीन गियर हैं। और ड्राइंग में आपको देखने को मिल रहा होगा यह एक बड़ा गियर है और उसके बीच में यह छोटा गियर लगा हुआ है, यानी कि यह ए, बी एंड सी, यानी यह छोटा वाला गियर टंबलर गियर है और यह हमारा फिक्स स्टड गियर है जो बड़ा वाला है, और इसका साइज हमेशा ही स्पेंडल गियर के साइज के बराबर होता है। यानी स्पेंडल गियर और फिक्स स्टड गियर का साइज हमेशा सेम होता है। उसका रीजन है कि स्पेंडल गियर की गति और फिक्स स्टड गियर की गति को समान रखने के लिए, यानी एक ही स्पीड में दोनों गियरों को घुमाने के लिए, स्पेंडल गियर और फिक्स स्टड गियर के साइज को हमेशा ही समान रखा जाता है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो क्लियर है कि स्पेंडल गियर और फिक्स स्टड गियर का जो साइज है वह हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ पर हम जो पोजीशन है, यह पोजीशन है न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है? हमारा स्पेंडल गियर
स्पिंडल गियर रोटेट कर रहा है, यानी यह हमारा घूम रहा है, बट हमारा टम्बलर गियर डिसंगेज पोजीशन में है, यानी न्यूट्रल पोजीशन में है। उस कंडीशन में टम्बलर गियर फिक्स स्टड गियर को पावर नहीं दे रहा है स्पिंडल गियर से लेकर, तो यहाँ से हमारी जो पावर है वह कट हो चुकी है और हम ऑटोमेटिक फीट नहीं दे सकते हैं या स्क्रू कटिंग नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टम्बलर गियर के फॉरवर्ड पोजीशन की। तो फॉरवर्ड पोजीशन क्या है टम्बलर गियर में? फॉरवर्ड पोजीशन वह है कि हमारा स्पिंडल और लीड स्क्रू एक ही दिशा में घूमे, वह हमारा फॉरवर्ड पोजीशन कहलाता है। और रिवर्स पोजीशन वह कहलाता है कि इस पोजीशन में स्पिंडल और लीड स्क्रू की विपरीत दिशा होती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वह हमारा रिवर्स पोजीशन कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट आपको समझ आ गया होगा। अब ये डिफरेंट को क्लियर करते हैं कि दोनों विपरीत दिशा में किस प्रकार घूमता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं फॉरवर्ड पोजीशन की। तो फॉरवर्ड पोजीशन में पावर किस प्रकार जाता है? तो यहां पे आप देख रहे हो स्पिंडल गियर हमारा रोटेट कर रहा है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब हमारा एक गियर, यानी एक गियर दूसरे गियर को पावर देता है, यानी दूसरे गियर तक मोशन को ट्रांसमिट करता है, तो उस कंडीशन में दोनों गियर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे कि बोला जाए, यदि एक गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसी गियर से मैच हमारा दूसरा गियर कर रहा है, तो वह गियर हमारा एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। ठीक है, तो एक गियर से जब दूसरे गियर तक पावर जाता है तो उनके रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या अपोजिट डायरेक्शन में दोनों गियर घूमने लगते हैं। ठीक है, तो यही कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है। स्पिंडल गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और हमारे स्पिंडल गियर से जो गियर मैच है वह टम्बलर गियर का ए गियर, यहां पर ए बी एंड सी या टम्बलर गियर के तीन गियर हैं, तो ए गियर हमारा यहां पर स्पिंडल गियर से मैच है। तो स्पिंडल गियर ने पावर किसको दिया? टम्बलर गियर के ए गियर को। तो इसके डायरेक्शन की दिशा अपोजिट हो गई स्पिंडल गियर के डायरेक्शन से, तो यह हमारा एंटी क्लॉकवाइज में घूमने लगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी आप देख रहे होंगे। अब हमारा ए गियर बी गियर से, यानी टम्बलर गियर के दो गियर जो कि ए बी, यहां पर मैं उनको इंडिकेट किया हूं ए गियर और बी गियर से, टम्बलर गियर में दो गियर हमेशा ही आपस में मैच रहते हैं, हर पोजीशन में वह मैच रहते हैं। यानी इन दोनों गियरों को जो फिक्स किया जाता है, यहाँ पे मैंने क्लियर किया है इसको बना के, तो इन दोनों गियर को जो फिक्स किया जाता है वह हमेशा ही मैच पोजीशन में रहेंगे हर डायरेक्शन में, चाहे वह रिवर्स में हो, न्यूट्रल में हो या फॉरवर्ड में। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर भी ए और बी गियर मैच हैं, और ए और बी यहां भी मैच हैं और यहां भी मैच हैं, यानी ये हमेशा ही ए गियर बी गियर से मैच रहते हैं। टम्बलर गियर के दो गियर ऑलरेडी मैच रहते हैं, और जो तीसरा गियर होता है वह फिक्स स्टड गियर के साथ अटैच होता है, यानी जिस स्पीड में फिक्स स्टड गियर घूमता है उसी स्पीड में हमारा टम्बलर गियर का सी गियर भी घूमता है, क्योंकि यह एक ही शाफ्ट पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि स्पिंडल गियर ने पावर दिया किसको? टम्बलर गियर के ए गियर को। तो यहां से जो हमारी इसकी डायरेक्शन थी वह क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हुई, और ए गियर ने पावर दिया बी गियर को, तो बी गियर की जो डायरेक्शन है वह फिर से किसकी समान हो गई? स्पिंडल गियर के, यानी फिर से क्लॉकवाइज हो गई। बट यहां पर आप देख पा रहे हो बी गियर, यानी टम्बलर गियर का बी गियर हमारा आइडलर है, वह किसी भी गियर से मैच नहीं है, ओनली वह रोटेट कर रहा है बट वह किसी गियर को पावर नहीं दे रहा है। तो यहां पर फिक्स स्टड गियर को पावर कौन दे रहा है? फिक्स स्टड गियर को पावर दे रहा है हमारा ए गियर, टम्बलर गियर का ए गियर से फिक्स स्टड गियर को पावर आई। यानी यहां से जब पावर हमारी डायरेक्ट इसको आई तो आइडलर गियर हमारा कौन सा बन गया? यानी जो बीच वाला गियर है वह हमारा ए बन गया, यानी इसकी दिशा, यानी फिक्स स्टड गियर की दिशा को इसने किसके समान कर दिया? स्पिंडल गियर के समान। तो यह हमारी फॉरवर्ड पोजीशन होती है जिसमें हमारा बी गियर आइडल होता है, बी गियर हमारा किसी को भी पावर नहीं देता है, वह हमारी कहलाती है फॉरवर्ड पोजीशन। तो यहां पर हमारा बी गियर आइडल रहेगा, क्योंकि यहां आप देख सकते हो यह क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, और हमारे स्टड गियर को, फिक्स स्टड गियर को फिर से इसने क्लॉकवाइज पोजीशन में रोटेट करा दिया, क्योंकि यहां पर बी गियर हमारा आइडल है। अब आगे की
बताता हूँ आगे पावर किस प्रकार जाती है। अब हमारा फिक्स स्टेट गियर आइडल घूमता है, फिक्स स्टेट गियर से कोई भी गियर मैच नहीं करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये बड़ा वाला जो है ये हमारा फिक्स स्टेट गियर है जिसका साइज हमेशा स्पेंडल गियर के समान होता है। अब इसके साथ में इस एक ही शाफ्ट पर जो तीसरा टम्बलर गियर यानी सी गियर इसके साथ में अटैच है उस गियर के साथ मैच करता है हमारा चेंज गियर। ये चेंज गियर कहलाते हैं जो कि थ्रेड कटिंग करते टाइम चेंज गियर को निकाला जाता है उस कंडीशन में। यहाँ पर ये चेंज गियर हैं और चेंज गियर जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं वह पावर को भेजाते हैं फीड गियर बॉक्स में, और फीड गियर बॉक्स से जो पावर जाती है वह जाती है लीड स्क्रू एवं फीड शॉफ्ट में, और वहां से वह एप्रोन यंत्रावली यानी कैरिज का जो नीचे लटका हुआ भाग है एप्रोन यंत्रावली में, और एप्रोन यंत्रावली हमारी उस रोटेशन को यानी एप्रोन मैकेनिज्म का क्या काम है, एप्रोन मैकेनिज्म फीड रॉड या लीड स्क्रू की रोटेशन की दिशा को लॉन्गिट्यूडिनल मोशन में बदल देती है, यानी रोटरी मोशन को लॉन्गिट्यूडिनल मोशन में बदलने के लिए एप्रोन मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारी टूल तक फीड पहुंचती है। तो यह सभी मैं फीड के बारे में क्लियर करूंगा, फीड मैकेनिज्म जब नेक्स्ट वीडियो रहेगी फीड मैकेनिज्म की उस वीडियो में मैं सारा फीड के बारे में क्लियर करूंगा कि फीड किस प्रकार टूल तक दी गई। फिलहाल आपको ओनली टम्बलर गियर पर फोकस करना है। तो फॉरवर्ड पोजीशन को यदि बोला जाए तो फॉरवर्ड पोजीशन वह है जो स्पेंडल गियर से डायरेक्ट हमारा ए गियर स्टेट गियर को ट्रांसमिट कर देता है। इसमें हमारा बी गियर जो है आइडल रहता है, बी गियर किसी को भी पावर नहीं देता है, वह हमारी फॉरवर्ड पोजीशन है। इस पोजीशन में यानी फॉरवर्ड पोजीशन में स्पेंडल गियर और फिक्स स्टेट गियर दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं, और जो फिक्स स्टेट गियर है उसी का मोशन हमारा कहाँ जाता है, लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट तक, यानी वह भी हमारे क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमेंगे। अब बात कर लेते हैं रिवर्स पोजीशन की। तो रिवर्स पोजीशन में डायरेक्शन किस प्रकार चेंज होती है यह आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स पोजीशन में यहाँ पे हमारा स्पेंडल सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी यह भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और यह भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यानी दोनों पोजीशन में फॉरवर्ड पोजीशन में भी और रिवर्स पोजीशन में स्पेंडल हमारा क्लॉकवाइज पोजीशन में घूम रहा है। अब देखते हैं कि स्टेट गियर हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में घूम रहा है और स्पेंडल हमारा क्लॉकवाइज पोजीशन में घूम रहा है, यानी दोनों की दिशा विपरीत है, तो यह हमारी रिवर्स पोजीशन है। तो इसमें जानते हैं कि इसकी दिशा को कन्वर्ट किस प्रकार की है टम्बलर गियर यूनिट ने, जो कि टम्बलर गियर यूनिट का यूज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टम्बलर गियर यूनिट का, इसको हमने रिवर्स पोजीशन में सेट किया, तो उस कंडीशन में ए गियर हमारा जैसे कि फॉरवर्ड पोजीशन में ए गियर हमारा मैच था स्पेंडल गियर से, और इसमें कौन सा मैच है, बी गियर हमारा टम्बलर गियर का मैच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेंडल गियर ने पावर दिया किसको, टम्बलर गियर के बी गियर को, यानी यह हमारा क्लॉकवाइज घूमा, जब बी गियर को डायरेक्ट पावर दिया तो यह हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करने लगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब बी गियर ने पावर किसको दिया, ए गियर को, तो यह फिर से हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा। यहां आप देख पा रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है जब एक गियर किसी दूसरे गियर को पावर देता है तो वह दोनों गियर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी उनकी जो घूमने की डायरेक्शन है वह चेंज हो जाती है। तो यही फंडा यहाँ पर लागू होता है, स्पेंडल गियर हमारा क्लॉकवाइज पोजीशन में है, इसने पावर दिया बी गियर को, तो बी गियर हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगा, और बी गियर ने पावर किसको दिया, ए गियर को, तो ए गियर फिर से हमारा क्लॉकवाइज पोजीशन में घूमने लगा, और ए गियर ने हमारा पावर दिया फिक्स स्टेट गियर को, तो यह हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा। तो यहां पर केवल टम्बलर गियर यूनिट का काम यह है कि यहां पर हमारे दो आइडलर गियर हो गए, जैसे कि आप देख पा रहे हो बी गियर ने, यानी यहां पर क्या हो रहा था फॉरवर्ड पोजीशन में कि टम्बलर गियर के ए गियर ने डायरेक्टली हमारे फिक्स स्टेट गियर को पावर दे दिया था, इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन जो है सेम हो गई थी, फिक्स स्टेट गियर एंड स्पेंडल गियर की डायरेक्शन सेम हो गई थी। बट यहां पर क्या किया है, यहां पर किया है रिवर्स पोजीशन में कि फिक्स स्टेट गियर ने पावर हमारे टम्बलर गियर के बी गियर को दिया, और बी गियर ने फिर टम्बलर गियर के दूसरे गियर यानी ए गियर को पावर दिया, और फिर उसके बाद ए गियर ने हमारे फिक्स स्टेट गियर को पावर दिया है।
तो यहां से यह इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहां से आगे की जो फीड मैकेनिज्म है उसमें मैं क्लियर करूंगा, फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। तो यहां आपको देखने को मिल जाता है स्टड गियर के साथ में अटैच है, यानी यह हमारा टम्बलर गियर का सी गियर एक ही शाफ्ट पर लगे हैं और सी गियर के साथ में चेंज गियर अटैच है, तो चेंज गियर मैच कर रहा है। चेंज गियर से जो पावर जाती है वह फीड बॉक्स में जाती है, फीड बॉक्स से हमारे जो लीड स्क्रू एंड फीड शॉफ्ट रोटेट करते हैं वहां से वह एप्रोन मैकेनिज्म से होकर गुजरते हैं। और एप्रोन मैकेनिज्म क्या करता है, एप्रोन मैकेनिज्म रोटेशन की दिशा को, सॉरी रोटरी मोशन को लॉन्गिट्यूडनल मोशन में बदलने का काम करता है एप्रोन मैकेनिज्म। तो यह सारा फीड मैकेनिज्म है, फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो फीड मैकेनिज्म की क्लियर करके बनाऊंगा जिससे कि आपका टोटली क्लियर हो सके। तो यहाँ पर टम्बलर गियर मैकेनिज्म को मैंने ड्राइंग के माध्यम से क्लियर किया जिसमें कि सभी मैंने डायरेक्शन बताई किस प्रकार आपको क्लियर हुआ। फिर भी यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो मशीन की वीडियो को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है जिसमें मैं आपको तीनों पोजिशन को बताऊंगा, न्यूट्रल पोजिशन में गियर किस प्रकार रोटेट करेंगे, उसके बाद जो सेकेंड रहेगी वह फॉरवर्ड, उसके बाद रिवर्स पोजिशन। तो तीनों पोजीशन आप देख सकते हो, पर तीनों पोजीशन को दिखाने वाले हैं। यह न्यूट्रल पोजीशन है जिसमें कि टम्बलर गियर यूनिट अटैच नहीं है, ओनली स्पिंडल गियर घूम रहा है। यह सेकंड पोजीशन रिवर्स पोजीशन है जिसमें स्पिंडल गियर से बी गियर पावर ले रहा है, बी गियर से ए गियर और ए गियर हमारा स्टेट गियर को चला रहा है। और यह पोजीशन जो सेट कर रहे हैं यह पोजीशन है हमारी फॉरवर्ड पोजीशन, इसमें डायरेक्टली स्पिंडल गियर ए गियर को पावर दे रहा है, यहां बी गियर आइडलर है और ए गियर डायरेक्ट स्टेट गियर को पावर दे रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपका टम्बलर गियर मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। यदि आपको टम्बलर गियर मैकेनिज्म से कोई भी डाउट है, यदि कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं अगली वीडियो यानी फीड मैकेनिज्म की वीडियो बताऊंगा, उस टाइम उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिससे कि सभी का क्लियर हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।